हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिल्मी वुड में। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इट्स माय लाइफ मूवी का रिव्यू। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनीस बाजमी ने, जो कि इससे पहले बहुत सी सुपरहिट फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे कि नो एंट्री, सिंग इज किंग, वेलकम वेलकम बैक। इस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं बोनी कपूर, संजय कपूर और हम सबकी चहेती स्वर्गीय श्रीदेवी जी। ये मूवी इट्स माय लाइफ एक्चुअली में रीमेक थी 2006 में आई तेलुगु ब्लॉकबस्टर मूवी बोम्मारिल्लु की। इट्स माय लाइफ मूवी की शूटिंग एक्चुअली में 2007 में कंप्लीट हो गई थी, लेकिन इस मूवी को 13 साल बाद यानी कि 2020 में इसे डायरेक्ट टीवी पे ही रिलीज किया गया। इस मूवी में मेन लीड रोल में है हरमन बवेजा, जिनेलिया डिसूजा, नाना पाटेकर, कपिल शर्मा, असरानी, शरद सक्सेना और भी कई सारे कलाकार। ये मूवी 29 नवंबर 2020 को जी सिनेमा पर रिलीज हुई थी। ये मूवी एक्चुअली मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसकी कहानी बेस्ड है फादर सन के स्ट्रेंज रिलेशन के ऊपर। इस मूवी में नाना पाटेकर ने एज अ स्ट्रिक्ट फादर का रोल बखूबी निभाया है। ये उनका ये कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमन बावेजा ने सताए हुए बेटे का रोल खूबसूरती से निभाया है और जिनेलिया डिसूजा ने बबली गर्ल का कैरेक्टर, जो कि अपने ही धुन में रहती है, खुश रहना जानती है, उस कैरेक्टर में जैसे उन्होंने अपने आप को ढाल लिया। बहुत अच्छा लगा मुझे ये। और कपिल शर्मा की कॉमिक टाइमिंग तो मतलब लाजवाब। और एक पॉइंट ऑफ टाइम था इस मूवी में जब असरानी और शरद सक्सेना की जो कॉमिकल बॉन्डिंग थी बहुत अच्छी लगी। इसमें दर्शक ठहाके मार के हंसेंगे दोस्तों। इस मूवी के सपोर्टिंग कास्ट ने अपना रोल बखूबी बेहतरीन तरीके से निभाया है। भले ही उनकी स्क्रीन टाइमिंग कम थी, लेकिन उन्होंने इस मूवी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है और उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल से इस मूवी में जान डाल दी। ये मूवी इट्स माय लाइफ फुली लाइट हार्टेड फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी है, जिसमें कॉमेडी भरपूर है। इसमें इमोशन की भी झलक आपको देखने को मिलेगी और एक वक्त पे ऐसा लगेगा कि ये मूवी आपके जीवन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। कुल मिला के बात कहूं तो इस मूवी की कास्टिंग, स्टोरी, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स बहुत ही अच्छी हैं और मेरी तरफ से इस मूवी को 5 out of 5 स्टार्स। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने ये मूवी देख रखी है तो आपको ये मूवी कैसी लगी, इसे हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।